62 में, और सेकेंडरी एविडेंस की 63 में. और ये कहां दिया है कि प्राइमरी एविडेंस विल बी प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी एविडेंस? 61 में दिया. तो उसमें बोथ है. बेस्ट एविडेंस रूल कहां दिया है कि प्राइमरी एविडेंस विल बी प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी एविडेंस? आज बस इतने से ही लोग आए थे, फर्स्ट क्लास में भी कौन आई थी? अच्छा वो चली गई, ठीक है. 59 में दिया है. 59 में ओरल एविडेंस के बारे में नहीं बताया. कहां दिया है कि प्राइमरी एविडेंस शैल बी प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी एविडेंस? कहां पे? फोर में क्या दिया है? यही है कार्डिनल प्रिंसिपल, बेस्ट एविडेंस रूल. ऑल राइट, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली द कंटेंट्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड. मतलब सेक्शन 65 में जो सिचुएशंस दी हैं उनके अलावा और दूसरे किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स या टर्म्स को प्रूव करने के लिए आप हमेशा प्राइमरी एविडेंस ही दोगे, सेकेंडरी एविडेंस नहीं दोगे. ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस कैन ओनली बी गिवन इन द सिचुएशंस जहां पे 65 लगेगा. सेक्शन 65 में जो सिचुएशंस दी हैं उसके अलावा और कहीं पे भी सेकेंडरी एविडेंस दिया नहीं जाएगा. समझ आया? ऑल राइट, अब हम आएंगे सेक्शन 65 पे, जिसमें सिचुएशंस दी गई हैं केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन. ऑल राइट, ये पढ़ेंगे हम. फर्स्ट सिचुएशन क्या है? व्हेन द ओरिजिनल इज shown or appears to be in possession or power of the person against whom the document is sought to be proved. All right? तो जब original document opposite party के power या possession में है, against whom sought to be proved, मतलब जिसके against आप वो original document prove करना चाहते हो, that means the opposite party. ठीक है, तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस ऑपोजिट पार्टी के पोजेशन में है एंड वो ऑपोजिट पार्टी उसे प्रोड्यूस नहीं कर रही है, आपने ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दिया है और नोटिस मिलने के बाद भी दैट पार्टी इज नॉट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या फिर वो जो ऑपोजिट पार्टी है इट इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. सो इन दीज सिचुएशंस आप और ओरिजिनल की जगह सेकेंडरी एविडेंस दैट इज कॉपी भी दे सकते हो. ठीक है, बट द कंडीशन इज कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ऑपोजिट पार्टी के पावर या पोजेशन में है और वो ऑपोजिट पार्टी या तो नोटिस मिलने के बाद भी उसे प्रोड्यूस नहीं कर रही है या फिर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन या कंट्रोल के बाहर है. ऑल राइट, सो इन दीज केसेस आप ओरिजिनल की जगह सेकेंडरी एविडेंस, मतलब प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, इट विल बी अलाउड. ऑल राइट, सेकेंड क्या है? व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज प्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. मतलब व्हाट डज दिस मीन? अगर ऑपोजिट पार्टी ने रिटन फॉर्म में उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप उस रिटन एडमिशन को एज अ सेकेंडरी एविडेंस प्रूव कर सकते हो. यू नीड नॉट प्रूव द प्राइमरी एविडेंस और द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट
or when the party offering the evidence of its contents cannot for reason for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in reasonable time. मतलब जहां पे वो प्रॉपर्टी या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या तो गुम चुकी है, ठीक है, और वो किसकी गलती से नहीं हुई है, अपनी खुद की गलती से, ठीक है, और वो अपनी खुद की, जो पर्सन उसे प्रूव करना चाहता है उसकी खुद की गलती के बिना अगर वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो चुकी है एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो उस केस में आप ऑब्वियसली उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजिली मूवेबल. इसका मतलब जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इट इज वेरी हैवी, हैवी का मतलब क्या है, 100 किलो का पेज होगा क्या, तो फिर इजिली मूवेबल का क्या मतलब होता है यहां पे? हो सकता है, बट थोड़ा सा इसका रियलिटी वाला, बिकॉज ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई पत्थर पे लिखी हुई चीज है, जनरल नहीं होता वैसे. ऑब्वियसली इट इज अ डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट में आएगी तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी फॉर्म में दे सकते हो. बट यहाँ पे जो इंटेंडेड मीनिंग है वो ये है कि कई बार इजिली मूवेबल का मतलब है कि ओरिजिनल किसी, सपोज अगर किसी ऐसे ऑफिसर के, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास है, ठीक है, जहां से आप उसको इजिली मूव नहीं कराते हो, किसी की कस्टडी में है, किसी ऑफिसर की कस्टडी में है जहां से आप उसको मूव नहीं करा सकते, ठीक है, ऑल राइट, तो इट इज नॉन ऑप्टेनेबल, ठीक है, तो उस केस में आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. इसी के बाद वाला देखो, व्हेन इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप उसका ओरिजिनल नहीं दे रहे हो और आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हो, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, क्योंकि किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को बहुत इजीली ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो उन केसेस के लिए सर्टिफाइड कॉपी बनी है कि आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, और सर्टिफाइड कॉपी इज अ सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 63, ठीक है, ऑल राइट. When the original is a document of which a certified copy is permitted by this act, ठीक है, या फिर original कोई ऐसा document है जिसकी certified copy दी जा सकती है, all right? When the original consist of numerous accounts, numerous accounts का क्या मतलब है? बहुत सारे, ठीक है, बहुत parts में एक कोई transaction है, for example वो multiple parts में है, तो आप कितनी सारी ओरिजिनल्स यहां पे प्रोड्यूस करोगे? सो इन दैट केस उनकी सबकी समरी बना के, एक एक डॉक्यूमेंट में उसकी समरी बना के एज सेकेंडरी एविडेंस आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो. ऑल राइट, अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिंड इन द कोर्ट. अब कोर्ट के पास इतना टाइम है, अगर एक ट्रांजैक्शन 100 पार्ट्स में हुआ है तो 100 के 100 बैठ के एग्जामिन करने का नहीं. ऑल राइट, समझ आया? तो इन सब केसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है. इस सेक्शन को रीड कराऊंगी मैं सिर्फ, इसके बारे में और कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑल राइट. और इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा स्पेशल इंटरप्रिटेशन या कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी है, जो भी था, वो सेक्शन 63-62 में था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा बेस्ट एविडेंस रूल रिगार्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 64 में दिया गया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है. अगर आपसे पूछा जाता है कि वेयर इज द बेस्ट एविडेंस रूल गिवन, तो बेस्ट एविडेंस रूल, अब हमारा यहाँ पे बेस्ट एविडेंस खत्म हो गया, ठीक है. चार बेस्ट एविडेंस रूल पढ़े हमने, चारों बेस्ट एविडेंस रूल कौन से सेक्शन में दिए गए थे? फर्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने? डायरेक्ट एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस, ठीक है. कौन से सेक्शन में दिया गया था उसका बेस्ट एविडेंस रूल कार्डिनल प्रिंसिपल? कहां दिया गया है देखो, 59 या 60? इज इट 59 और 60? 60, ऑल राइट. तो ओरल एविडेंस, सॉरी, डायरेक्ट एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो सेक्शन 60 में दिया गया. ऑल राइट, सेकेंड कौन सा पढ़ा था हमने? एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कहां दिया गया है?
वो कहां दिया गया है, उसका कार्डिनल प्रिंसिपल कहां दिया है? ऐसे मिल जाएगा बिना बेयर एक्ट में देखे, कहां दिया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी प्रेफर्ड ओवर ओरल एविडेंस? ऑलराइट, सेक्शन 59। तो जो हमने सेकेंड बेस्ट एविडेंस रूल पढ़ा था उसका जो मैनिफेस्टेशन है, उसका जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, इट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 59। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट, वो कहां पे दिया है? 165, बेसिकली 165 में दिया है। ऑलराइट, लास्ट क्या पढ़ा हमने अभी? प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, इसका कार्डिनल प्रिंसिपल कहां दिया है? 64। ऑलराइट, तो ये चार सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। जब भी कोई पूछता है कि आपको कि बेस्ट एविडेंस रूल एविडेंस एक्ट में कहां कहां दिया है, तो इट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 64 एंड सेक्शन 165, रेड विथ फ्यू सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। ऑलराइट, समझ आया? 59 एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय ओरल एविडेंस, जो हमने पढ़ा था ना 91-92, तो 91-92 इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस रूल, उसमें रिस्ट्रिक्शन बताई है, बट वो रूल कहां डिक्लेयर किया गया है? सेक्शन 59 में। समझ आया? कल वाला रिवाइज किया था, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? श्योर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पढ़ा था वापस जाके? यू डिड नॉट टेक द क्लास? नो, यू मिस्ड द क्लास, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टाइमिंग्स। तो आप पहले वाली क्लास में आए थे? दैट इज द मेन पॉइंट, नो दैट यू वर बिजी, यू आर नॉट अवेयर। मतलब क्या पहले वाले में तो आना चाहिए था, बिकॉज वो तो सेम टाइम पे हुई थी। वो बोलो कि आई वॉज बिजी मैम, ठीक है, कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, यू पीपल आर बिग पर्सनैलिटीज, यू पीपल आर वेरी बिजी मैम, फिजिकल फैंस, वर्चुअल फैंस, ऑनलाइन फैंस, टेलीफोनिक फैंस, कितनों को, आप लोग तो मैम बहुत लास्ट में आते हो एकदम। सो इट्स ओके, अब ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेते आप फिर? मतलब मिस हो गया तो हो गया, कैसे, किससे ले लिया, किससे लिया? हिम? अच्छा, यू गाइज आर फ्रेंड्स? आई हैव नेवर सीन यू बोथ टॉकिंग। पता नहीं, मुझे आप लोग कभी आपस में बात करते नहीं दिखते। क्योंकि देखो, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी क्लास में अब उठ के तुम लोग यहाँ पे चिट चैट करने लगो, मैम पढ़ा रही है सामने बैठ के चिट चैट कर रहे हैं, ये नहीं कह रही मैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्टडी ग्रुप्स बना लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अपने आप में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट जब चार लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो इट इज ईजियर टू स्टडी। चार लोगों को चार नई बातें पता होती हैं, एक बंदे से दूसरा बंदा सीखता है, प्लस आप लोग काम डिवाइड कर सकते हो, एक बंदे ने कुछ पढ़ लिया, दूसरे ने कुछ पढ़ लिया, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। तो इट्स गुड अगर आप लोग मुझे, क्योंकि कभी भी मुझे आज तक कभी क्लास में कभी कोई बात करता नहीं दिखा, तो इस वजह से आई वॉज सरप्राइज। पहले भी मैंने अनुष्का मैम से ये चीज़ पूछी थी कि क्लास में कोई आपस में बात बात नहीं करता, तो ये लोग पढ़ते कैसे हैं, मतलब इंडिविजुअली पढ़ते हैं, स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता था। बिकॉज हम किसके टाइम पे, अच्छा आई डोंट नो, अच्छा अच्छा फिर नहीं चल पाया, क्यों? क्योंकि इट्स बेटर अगर आप ग्रुप में पढ़ते हो, बिकॉज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कोई ग्रुप बना लिया है, तो अगर किसी भी पर्सन ने कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ही और शी विल शेयर दैट क्वेश्चंस विद एवरीवन। ऑलराइट, तो वो थोड़ा सा बेटर होता है, बट आप लोगों की मर्जी है, इट्स ऑब्वियसली टोटली योर चॉइस, दिस वॉज जस्ट अ सजेशन। ऑलराइट, 62-63 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? कॉपीज कैसे कंपेयर किससे करना है, क्या था, समझ आया?
ठीक है, प्लीज रीड इट, जो भी है नोट्स आपने लिए हैं उसको पढ़ लेना, कुछ भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ऑल राइट, ओके. अब इसमें लिख लो, मैं एक चीज लिखनी थी इसमें, एक छोटा सा क्वेश्चन है. अब प्राइमरी एविडेंस हमने देखा कि प्राइमरी एविडेंस ही हमें देना है, 64 में लिखा है, ठीक है. अब कोई एक केस आया है कोर्ट में जिसमें एक पर्सन सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है किसी डॉक्यूमेंट का. अब कोर्ट को उसे डिसाइड करना है कि क्या ये सेकेंडरी एविडेंस यहां पे अलाउ होना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. दैट मींस क्या ये सेक्शन 65 में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो माय क्वेश्चन इज कि जब बीच ट्रायल के बीच में कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है तो क्या कोर्ट पुराना पूरा ट्रायल बंद करके पहले ये चीज डिसाइड करने लगेगी कि या क्या ये 65 के किसी क्लॉज में फॉल हो रहा है, या फिर उस टाइम पे कोर्ट उसको अलाउ कर देगी और बाद में उसके बारे में डिसाइड करेगी. पता है कभी कभी सुनिए ये चीज, कई बार क्या होता है, हमने देखा था कि एक होते रेलेवेंट फैक्ट्स, एक होते एडमिसिबल फैक्ट्स, एक होते रिलायबल फैक्ट्स, ठीक है. एविडेंस सारे रेलेवेंट फैक्ट्स का दिया जा सकता है, जितने फैक्ट्स रेलेवेंट है सबका एविडेंस दिया जा सकता है, लेकिन सारे के सारे फैक्ट्स एडमिसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है. एडमिसिबल सिर्फ वो फैक्ट्स होंगे जो कोर्ट को रिलायबल लगेंगे, ठीक है, और जो कोर्ट को लगेगा कि एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है. अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो वो भले ही रेलेवेंट हो बट उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दिस इज एडमिसिबिलिटी, ठीक है. तो कोर्ट क्या करता है जनरली, एविडेंस ले लिया उसके बाद उसकी एडमिसिबिलिटी डिसाइड होती है, या फिर बीच में, अगर सपोज प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बीच में, या फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो चुका है, अब डिफेंस एविडेंस चल रहा है, तो डिफेंस एविडेंस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एविडेंस दिया गया है जिसकी एडमिसिबिलिटी क्वेश्चनेबल है, जैसे सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस जब भी दिया जाएगा तब पहले कोर्ट ये चेक करेगा कि ये एक्चुअली में सेकेंडरी एविडेंस कोई ऐसा केस है जिसमें हम ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि बाद में ये भी नहीं बोल सकता है कोर्ट कि हम अपनी स्पेशल पावर यूज करके सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं है. कोर्ट अपनी स्पेशल पावर को यूज करके भी सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ नहीं कर सकते. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि क्या ये सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 65 में फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. तो कोर्ट क्या करते हैं, पहले बीच ट्रायल में क्या उसकी एडमिसिबिलिटी को चेक करते हैं, या फिर पहले उसको चलो अलाउ कर दिया कि पार्टीज को कि ठीक है आप दे दो, लास्ट में जब हम सारे एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एविडेंस को ही रिलायबिलिटी चेक करना होता है, जब हम एडमिसिबिलिटी डिसाइड करेंगे व्हाइल फॉर्मिंग द ओपिनियन, तब हम इसको भी टेस्ट कर लेंगे साथ में. एट एनी स्टेज मतलब evaluate बाद में करेंगे. Yes, the court will not stop the proceedings in between. The court generally allows such documents or such evidences and then बाद में it decides upon the admissibility. ठीक है, ये question important है. ये question raise हुआ था एक case law के अंदर, इसका answer दिया गया था. Please write the name of the case. बिपिन शांतिलाल BIPIN बिपिन शांतिलाल पंचाल versus state of gujarat 2001 सुप्रीम कोर्ट. It was held that whenever secondary evidence is produced, and the opposite party
raises his objection as to the secondary evidence, then it is not necessary for the court to decide that objection first, before allowing the secondary evidence. Rather, in practical circumstances, the court will mark the objected document as an exhibit. इसका मतलब क्या हुआ? What do you mean by marking a document as an exhibit? Marking the document as an exhibit मतलब allowing the document to be given in evidence. जबी भी कोई भी केस होता है, ठीक है, उसमें जो evidences दिए जाते हैं, ठीक है, अगर तो वो witnesses के evidences हैं, और अगर prosecution witness है, तो उसका नाम होता है PW1, कभी भी उनके names याद use नहीं होते हैं उसमें, PW1, PW2, ठीक है, और अगर accused के witnesses होते हैं, तो it is always DW1, DW2, ठीक है, और अगर कोई document दी जा रही है, कोई article दिया जा रहा है evidence में, तो उसका नाम दे देते हैं Exhibit D1, समझ आया? ठीक है, ऐसे होता है. Alright, ये तो criminal case में हुआ, civil case में भी ऐसे ही होता है. PW1, plaintiff witness 1, DW1, defendant witness 1, ठीक है, EXP1, EXP2, समझ आया? तो marking a document as exhibit का मतलब होता है allowing the document to be given in evidence. Alright, जब किसी document को exhibit mark कर देते हैं, इसका मतलब it has been taken in evidence by the court. Alright, आगे लिखो. And allow the document at that stage. Later on, at the stage of deciding the case, the court will decide upon the admissibility of that document. If the document is found to be admissible, then it will be taken into consideration and vice versa.
समझ आया? गॉट इट? अब जो हमने सेक्शन 65 पढ़ा है, सेक्शन 65 क्लॉज ए जो है उसमें नोटिस की बात हो रही है। वो कौन सा नोटिस है, कहां दिया गया है? से इट लाउडली। 66, ठीक है। सेक्शन 66 टॉक्स अबाउट द नोटिस दैट इज गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी जिसके पावर या पोजेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट कब दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा, आप वो सेक्शन पढ़ लो। इट इज वेरी इजी, आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो 65A में नोटिस की बात हुई है वो नोटिस सेक्शन 66 में दिया गया है। समझ आया? इसी से इंटरलिंक्ड एक सेक्शन है, सेक्शन 164। प्लीज कम टू सेक्शन 164। सेक्शन 164 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। आपने ऑपोजिट पार्टी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 66 में नोटिस दिया और सामने वाली पार्टी ने प्रोड्यूस करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। एक बार जब उसने उसे प्रोड्यूस करने के लिए मना कर दिया, क्या उसके बाद दोबारा खुद से वो उसी डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस यूज कर सकती है? नहीं कर सकती। सेक्शन 164 स्टेट्स दैट कि अगर आपने किसी ऑपोजिट पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 66 का नोटिस दिया था और उस पार्टी ने मना कर दिया था, उसके बाद अगर वो पार्टी, जनरली वो पार्टी उसे वापस से एज एन एविडेंस अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि एक बार वो उसके लिए मना कर चुकी है, ठीक है। बट इफ दैट पार्टी वॉन्ट्स टू यूज दैट डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस, तो उसे सबसे पहले कंसेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट ऑफ द पार्टी एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑल राइट। कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये सेक्शंस इंटरलिंक्ड है। सेक्शन 65 क्लॉज ए रेड विद सेक्शन 66, रेड विद सेक्शन 164 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो अगर नोटिस के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्शन 65A, 66 और 164 मेंशन करना है, ऑल राइट। ऑल राइट, यहाँ पे हमारा बेस्ट एविडेंस रूल खत्म होता है। काफी दिन हो गए हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एविडेंस एक्ट का, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट्स, हियरसे एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस और हियरसे एविडेंस, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एविडेंस में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, इट डिपेंड्स आप कौन से स्टेट के लिए अपियर कर रहे हो, इट डिपेंड्स। जनरली अगर एविडेंस की बात करें तो एविडेंस में से मोस्टली 90% क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस पे से आते हैं। सेक्शंस पूछ लेते हैं, अगर आप वही है ना, अगर आप छत्तीसगढ़ दे रहे हो तो उसमें तो सिर्फ सेक्शन से पूछते हैं। एविडेंस क्या हर किसी एक्ट में से सिर्फ सेक्शन से पूछते हैं? आप राजस्थान की बात करो, आप यूपी की बात करो, तो उसमें सेक्शन के साथ साथ जो मेनली पूछते हैं वो पूछते हैं इलस्ट्रेशंस। आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस, ये तीन ऐसे एक्ट हैं जिनके इलस्ट्रेशंस आपको याद होने चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन सा इलस्ट्रेशन दिया गया है। क्योंकि अगर एविडेंस की बात करें, आईपीसी की बात करें और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो मेजर पार्ट जो होता है इनका वो इलस्ट्रेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो ये पूछा जाएगा कि ये इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन का है, या फिर इलस्ट्रेशन देके नीचे आपसे चार ऑप्शंस होंगे, उसमें जो भी राइट ऑप्शन है आपको बताना पड़ेगा। जैसे एविडेंस में से क्वेश्चंस आते हैं रेलेवेंसी पे से सबसे ज्यादा, तो उसमें आपको इलस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, तो उसमें लास्ट में दिया जाएगा कि दिस फैक्ट इज रेलेवेंट एज
कन्फेशन, मोटिव, इंटेंशन, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो आपको पता होना चाहिए इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में था. अगर सेक्शन 6 में है तो सेम ट्रांजैक्शन. प्लस आपको सेक्शन नहीं भी पता है, आप उसको पढ़ के अगर समझ जा रहे हो कि ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, या फिर मोटिव है, या फिर कंडक्ट है, प्रिपरेशन है, तो कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होगा. ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन दे दिया जाता है, उसके बाद पूछ लिया जाता है दिस फैक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10. तो आपको पता होना चाहिए इलस्ट्रेशन किस चीज के बारे में बात कर रहा है. इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 7, सेम ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 6, कंडक्ट के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 8. ठीक है, स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 7. तो ये आपको पता होना चाहिए. इसीलिए इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है कि सेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इलस्ट्रेशन में से ही पूछते हैं. पूछेंगे वो सेक्शन लेकिन इलस्ट्रेशन के थ्रू पूछेंगे. तो इलस्ट्रेशन आपको पढ़ी भी होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट बींग रॉन्ग. ठीक है, तो आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस एक्ट, इनके इलस्ट्रेशन पढ़ लेना. इवन दो आई एम नॉट डीलिंग विथ द अदर टू सब्जेक्ट्स, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एविडेंस के भी जो अभी तक हमने किए हैं, जितने भी सेक्शंस किए हैं उसमें जो भी इलस्ट्रेशन हैं, प्लीज उनको रिवाइज कर लेना, ताकि एक बेस्ट एविडेंस रूल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए आपका. ऑल राइट, अभी तक का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. क्या नोटिस दिया जाता है? पार्टी नोटिस देगी. ठीक है, पार्टी उसको नोटिस देती है कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करो. उसके लिए हाँ, बिकॉज सेक्शन 66 में देखो ना, सेक्शन 66 में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहां पे नोटिस देने की नीड नहीं होती. तो जहां नोटिस नहीं देना है वो सेक्शन 66 में दिया गया है, उसके अलावा जितने भी उन सब में नोटिस देना है. और अगर प्रूविंग वाली बात रही तो ऑब्वियसली अगर कोई डीड हुई है हमारे बीच में, तो अगर उस डीड की दो ओरिजिनल्स बने थे, एक पे मेरा साइन एक पे आपका साइन, तो हम दोनों के ही ओरिजिनल पार्ट्स हुए, काउंटर पार्ट्स हुए. लेकिन अगर एक ही ओरिजिनल था एंड इट इज विद यू, यू बीइंग द बायर, इट इज विद यू, देन ऑब्वियसली यू हैव द ओरिजिनल. नो, अगर मेरे पास नहीं है, अगर एक ओरिजिनल है सेल के अंदर, वो तो या तो बायर के पास होगी या सेलर के पास होगी, जनरली दोनों के पास होती है. बट स्टिल लेट्स अज्यूम कि अगर एक ही कॉपी है, तो अगर वो तो बायर के पास है, नहीं तो वो सेलर के पास है. अगर मेरे पास नहीं है तो आपके पास है, देन आई विल हैव टू, ऑब्वियसली आई विल हैव टू प्रूव दिस. बट नोटिस तो आपको देना ही पड़ेगा. अगर वो सामने वाली पार्टी के पोजेशन में है तो नोटिस देना पड़ेगा. नोटिस इज मैंडेटरी. नोटिस नहीं देना है वो सेक्शन 66 में वो इंस्टेंसेस दिए हैं. ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, कोई और डाउट है? श्योर, कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज रेलेवेंसी. ठीक है, प्लीज हेडिंग लिख लो, रेलेवेंसी. सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55. ऑल राइट, सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक रेलेवेंसी के टॉपिक दिया गया है, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए आपको इसका चैप्टर नंबर याद होना चाहिए. कई बार पूछ लेते हैं चैप्टर्स भी. ठीक है, स्पेशली ऐसी जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं आपको वो पता होने चाहिए. इसमें से अगर मैं बात करूं तो रेलेवेंसी का चैप्टर है, इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है. उनके नंबर्स याद रख लेना. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रेलेवेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज आई सेड 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में वो रेलेवेंसी के टॉपिक में से आते हैं. ठीक है, इसमें से भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी. ऑल राइट, व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंसी? व्हाट इज रेलेवेंसी? व्हाट इज रेलेवेंसी? कैसे पता लगेगा कि इतने सारे फैक्ट्स में से
कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि रेलेवेंट है केस के लिए? अच्छा, आउट ऑफ मेनी फैक्ट्स, दोज फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट उनको क्या करेंगे? कहां लिखा है कि सिर्फ रेलेवेंट? कितने सारे फैक्ट्स हैं, मेरी मर्जी है मैं कोई से भी फैक्ट को प्रूव करूं, क्यों? कहां लिखा है कि सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट को ही करेंगे? हाँ, तो मैंने पूछा कि अगर बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो क्यों बोला आपने कि सिर्फ रेलेवेंट, उनमें से जो रेलेवेंट फैक्ट हैं, ऑब्वियसली हम रेलेवेंसी का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से। अगर ए से लेके जेड तक फैक्ट्स हैं, उसमें से कितने रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो जानने के लिए हम रेलेवेंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बट क्यों, क्यों हमें जानना है कि रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं? व्हाट इज द पर्पस? हाँ, ये कहाँ लिखा है? किसी ने बोला है या लिखा है? क्या है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं? सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट्स दैट वाइल प्रूविंग अ केस एविडेंस कैन ओनली बी गिवन फर्स्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब समझाया था मैंने, व्हाट इज फैक्ट इन इशू? A fact which is asserted by one party and it is denied by the other party, fact in dispute. All right? तो आप evidence दे सकते हो या तो fact in issue का या फिर relevant fact का, ठीक है? क्योंकि आप evidence सिर्फ इन दो चीजों का ही दे सकते हो। अब fact in issue, obviously हर case का fact in issue पता होता है। क्या fact in issue को ढूंढने की जरूरत है? नहीं, fact in issue is evident. It is apparent on the face of it. Fact in issue पता होता है कि actual मैटर क्या है, बट रेलेवेंट फैक्ट, क्या रेलेवेंट फैक्ट ऑन द फेस ऑफ इट हमें दिखते हैं? नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट विच फैक्ट इज रेलेवेंट एंड विच फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट। और वो फाइंडिंग आउट वाला जो प्रोसेस होता है वो है चैप्टर ऑफ रेलेवेंसी। समझ आया? सो सेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम रेलेवेंसी का चैप्टर पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हम किस किस फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं अपने केस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यही पूछा था मैंने। ऑल राइट, ओके। सेक्शन 5 का इलस्ट्रेशन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर ए, ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी by beating him with a club with the intention of causing his death. All right? Ab isme at A's trial the following facts are in issue. Isme fact in issue kya kya hai? First, A is beating B with the club. Second, A causing B's death by such beating. A's intention to cause B's death. ये सब क्या है? फैक्ट इन इशू है और इन सब चीजों के आप एविडेंस दे सकते हो। ऑल राइट, इलस्ट्रेशन बी देखो। अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच द पार्टीज ऑन विच ही रिलाइज। ऑल राइट, समझ आया? This section does not enable him to produce the bond or to prove the contents at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed in CPC. अच्छा, ये वाला जो illustration है ये explanation से related है। जब आप section 5 की explanation पढ़ोगे, CPC में मैं आपने बताया था ये? CPC में बताया आपको ये? नहीं, आगे बता देंगी मैम, ठीक है? तो तब आप पढ़ोगे, आपको ये तब समझ आ जाएगा। ऑल राइट, ओके। और मैम अपने आप बता देंगी, बेटा उनको टोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैम अपने आप, मैम को पता है कब बताना है, मैम अपने आप बता देंगी, अपनी नॉलेज के लिए मैम बता देंगी आपको, ठीक है? आई एम नॉट, आई कैन नॉट इंटरफेयर इन टू अदर सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। इट इज अ वेपन, है ना, वेपन। ऑल राइट, हाँ, ठीक है। ऑल राइट, रेलेवेंसी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रेस गेस्टे। सेक्शन 6,
ठीक है, व्हाट इज रेस गेस्टे? क्या ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है या ये इंडियन कॉन्सेप्ट है? इंग्लिश कॉन्सेप्ट है. रेस गेस्टे यहां पे सेक्शन 6 में दिया गया है या कहां दिया गया है? सिर्फ सेक्शन 6 में दिया गया है. रेस गेस्टे क्या होता है सबको पता है, हम सब पढ़ चुके हैं इतना थोड़ा बहुत, सबको पता है. रेस गेस्टे मीन्स, रेस गेस्टे का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ठीक है, क्या सिर्फ सेक्शन 6 इज एग्जॉस्टिव अबाउट द टॉपिक ऑफ रेस गेस्टे या सेक्शन 6 इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ रेस गेस्टे? और कहां दिया है? टीपीए यही है, यही है. क्वेश्चन आया है तभी पूछ रही हूं. ठीक है, रेस गेस्टे इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट, इट इज एन इंग्लिश कॉन्सेप्ट. रेस गेस्टे इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट. ठीक है, सेक्शन 6 इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस गेस्टे. रेस गेस्टे का जो टिपिकल मीनिंग होता है वो होता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. तो बेसिकली सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. बट क्या किसी और सेक्शन में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं जो रेस गेस्टे का पार्ट हो सकते? व्हाट अबाउट सेक्शन 7, सेक्शन 8? सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड फॉर एग्जांपल. प्रीसीडिंग कंडक्ट भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है. अब अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को स्टैब किया, स्टैब करने के बाद ए स्टार्टेड रनिंग अवे, तो ए जो स्टैब करके भागने लगा, दिस इज व्हाट एज कंडक्ट, इट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एज कंडक्ट, एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट. बट क्या ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है? क्या ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है? एक ही ट्रांजैक्शन है, ए किलिंग बी, किल करने के बाद ए रन अवे, क्या ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है? सेम है. तो इवन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस गेस्टे. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेक्शन 6. रेस गेस्टे इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बट हम लोग यहाँ इंडिया में सब लोग यही समझते हैं कि रेस गेस्टे का मतलब क्या है, सेक्शन 6, सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट, रेस गेस्टे. नो, सेक्शन 6 इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, इज अ पार्ट ऑफ रेस गेस्टे. रादर अगर हमें रेस गेस्टे पढ़ना है तो रेस गेस्टे जो है भले ही 80% सेक्शन 6 में दिया गया है, बट उसके कुछ अपीयरेंसेस सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 में भी हमें मिलते हैं. इनफैक्ट सेक्शन 9 में भी मिलते हैं, वेरी लेस बट यस मिलते हैं. सेक्शन 7 में फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट की बात हो रही है. इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, प्रभाव. यहां पर इफेक्ट का मतलब है द आउटकम, द रिजल्ट. ए ने बी को स्टैब किया, स्टैब करते ही बी का जो ब्लड था इट स्पिल्ड अवे. ठीक है, उसका ब्लड पूरा फ्लोर पे और ए की शर्ट पे आ गया. दिस इज व्हाट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फैक्टिन इशू. फैक्टिन इशू क्या है? ए स्टैबिंग बी, ए किलिंग बी. उसका इफेक्ट क्या है कि बी का ब्लड इट स्पिल्ड. दिस इज व्हाट इफेक्ट, रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7. बट क्या ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है? ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट भी है. इसीलिए रेस गेस्टे के लिए हमेशा याद रखना, इट इज नॉट लिमिटेड टू सेक्शन 6, रादर इट एक्सटेंड्स टू सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑल्सो. ऑल राइट, एंड समटाइम सेक्शन 9 ऑल्सो. जब सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि वो रेस गेस्टे का पार्ट कैसे है. ठीक है, रेस गेस्टे का एक सिंपल मीनिंग होता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है यहां पे? यहां पे ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है? जनरल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? एक जनरल मीनिंग क्या होता है ट्रांजैक्शन का? जनरल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी के साथ, व्हाट इज दैट? ट्रांजैक्शन हुआ. क्यों हम उसको ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक ही बार में हो रहा है. द मेन क्रक्स इज कि जो चीज एक बार में होती है उसे हम बोलते हैं इट इज अ सेम सिंगल ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सारे के सारे फैक्ट्स भले ही अपने आप में फैक्ट एंड इशू नहीं है, बट फैक्ट एंड
यीशु के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं दैट दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, ए ने बी को स्टैब किया. अब एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, ए और बी की लड़ाई हो गई थी. ए बी को चेज कर रहा था, उसे पीछा करते 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 वो उसके घर के बाहर पहुंचा. वहां पे उसने जाके उसको फाइनली स्टैब किया. स्टैब करके ए रैन अवे. उसके बाद बी वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर. बी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प. सम अदर पर्सन सी ही वॉज अ पासर बाय, ही केम फॉर बीज हेल्प. उसने बी को पानी पिलाया, बी को फर्स्ट एड दिया. ये सब क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. ए वो जनरल कॉन्स्पिरेसी होती है जो आप बोल रहे हो ना, कि एक सेंट्रल हेड होता है एंड वो बहुत जगहों पे, फॉर एग्जांपल मल्टीपल ब्लास्ट के जो केसेस होते हैं, ठीक है, वो होती है एक, इट इज अ जनरल कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ये सेम ट्रांजैक्शन की बात. वो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, वो एक पर्सन बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहा है. ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए. अब ए रनिंग अवे, क्या ये फैक्ट एन इशू है? सी कमिंग फॉर बीज हेल्प, क्या ये फैक्ट एन इशू है? ए चेजिंग बी, क्या ये फैक्ट एन इशू है? नहीं है. बट क्या हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे? No, because they are part of the same transaction. They themselves, they are not fact and issue, but they are so connected. वो इस तरीके से एक chain को connect कर रहे हैं कि वो एक same transaction का part है. All right? क्या ऐसा जरूरी है कि same transaction की जो चीजें हैं वो एक ही जगह, एक ही place पे, एक ही time पे हो? अगर एक part जो है transaction का वो for example दिल्ली में हुआ है, एक पार्ट जो है वो जयपुर में हुआ है, तो क्या वो अलग अलग ट्रांजैक्शन माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एच ए और बी की शादी हो गई. ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, ए इज द हस्बैंड. शादी वाले दिन ए कमिटेड क्रूअल्टी ऑन बी, फिजिकली हैरेस किया उसको. वन वीक के बाद दे वेंट टू शिमला फॉर आउटिंग, वहां पे भी ही कमिटेड फिजिकल हैरेसमेंट ऑन हर. ही ऑल्सो वहां पे भी ही कमिटेड क्रूअल्टी. ये सेम ट्रांजैक्शन है या नहीं है? क्यों? लेकिन पहला इधर हुआ दिल्ली में, फिर शिमला में. अच्छा, इतने 7-8 दिन का गैप आ गया, फिर ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो जाता है ना. सेम नहीं होगा. क्यों? हाँ वही ना, क्योंकि जगह चेंज हो गई है ना. हाँ नहीं बताओ, पार्टी सेम है तो चल जाएगा. वन वीक में, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. दो दिन में हुआ होता तो मैम सेम ट्रांजैक्शन होता, लेकिन 8 दिन बाद अगर उसने क्रूअल्टी की तो इट्स ओके, इट्स अलाउड. इट इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बिकॉज सेक्शन 6 में ही लिखा है वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम और प्लेसेस. समझ आया? Time and place is not a matter of concern here. The main matter of concern is कि जो transaction है वो किस दिन से शुरू हुआ है और किस दिन पे खत्म हुआ है. उसके बीच में होने वाले जो भी facts हैं, चाहे वो different places पे हो, चाहे वो different time पे हो, वो सारे के सारे they will form a part of the same transaction. ठीक है, फर्स्ट क्रूअल्टी भले ही शादी के जस्ट अगले दिन हुई उसकी और एक सिटी में हुई, दूसरी कहीं और हुई, है तो वो सेम ट्रांजैक्शन. फैक्ट एंड इशू क्या है? ए कमिटिंग क्रूअल्टी ऑन बी. तो ये जो वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ क्रूअल्टी हैं, ये भले ही अपने आप में फैक्ट एंड इशू नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट एंड इशू. दे आर फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स. ठीक है, तो भले ही टाइम और प्लेस अलग था बट स्टिल इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. सॉरी, सेम पार्टी होनी चाहिए. मैं अगर ये बोल रही हूं कि जब ए ने बी को स्टैब करके ए भाग गया, उसके बाद सी तो एक स्ट्रेंजर था, सी ने बी को पानी पिलाया बिकॉज बी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प. तो यहां पे ए नहीं है ना, मेन फैक्ट एंड इशू किसका है? ए किल्ड बी.
बट यहाँ पे जो हम फैक्ट प्रूव कर रहे हैं द क्वेश्चन इज वेदर दिस फैक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और नॉट दैट सी गेव वाटर टू बी बिकॉज बी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प. इसमें ए तो कहीं है ही नहीं. फैक्ट इन इशू में जो पार्टीज है ए और बी, लेकिन जो सेम ट्रांजैक्शन में मुझे फैक्ट प्रूव करना है उसमें सी और बी है तो पार्टीज तो चेंज हो गई. पार्टीज प्लेस टाइम मैं आप सिर्फ वो वाले एक्सेप्शन एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी दिया हस्बैंड वाइफ वाला. मैं जनरल बात बता रही हूँ आपको. पार्टीज टाइम प्लेस इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. द मैटर ऑफ कंसर्न इज कि वेदर दैट फैक्ट वॉज अकर्ड इन द सेम ट्रांजैक्शन. अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होता है. अब कैसे पता लगेगा क्या सेम ट्रांजैक्शन है क्या नहीं है? तो सबसे पहले आपको देखना होता है ट्रांजैक्शन कहाँ से शुरू हुआ है और ट्रांजैक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है. उसके बीच के जितने फैक्ट्स होंगे दे विल बी अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. सेम ट्रांजैक्शन के जो फैक्ट्स होते हैं दे आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर. दे आर नॉट प्लान्ड. क्या सी प्लान करके आया था कि बी को पानी पिलाना है? नहीं. ऑल दी स्पॉन्टेनियस एक्ट्स ऑल दी अनप्लान्ड अनफैब्रिकेटेड एक्ट्स which occur during the transaction, they are a part of the transaction. A ने B, A और B की आपस में फाइट हो रही है. दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा तो आसपास जो लोग खड़े थे they were saying few things, they were commenting on them. एक ने कंप्लेन कर दी. ये सब क्या है जो लोगों ने बोला है? सेम ट्रांजैक्शन. ठीक है, भले ही वो उस फैक्ट एंड इशू का पार्ट नहीं है बट स्टिल दे इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्योंकि उस ट्रांजैक्शन के अंदर वो चीज हो रही है. समझ आया? ठीक है, तो जितने भी स्पॉन्टेनियस एक्ट होते हैं अनफैब्रिकेटेड अन ट्यूटर्ड एक्ट, ठीक है, नॉन मैनिपुलेटेड एक्ट्स, स्पॉन्टेनियस एक्ट्स, नेचुरल आउटकम ऑफ द फैक्ट एंड इशू, वो होते हैं पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. मैं अभी लिखवा दूंगी सारा कुछ, है ना? समझ आया? इसमें प्लीज थोड़ा सा लिख लेते हैं या फिर पहले इसके इलास्ट्रेशन देख लो. इलास्ट्रेशन नंबर ए. ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form the part of the same transaction is a relevant fact. अभी जो मैंने example दिया ये वही है. ठीक है, हाँ जी. A is accused of waging war against the government of India. All right. By taking part in an armed insurrection. Waging war, हाँ बहुत सारे आए हैं इसमें से, ऐसा नहीं है. ठीक है, A is accused of waging war against the government of India by taking part in the armed insurrection in which the property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. ठीक है, ये गोल्स की जगह गेट्स होगा. ठीक है, द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलेवेंट एज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन दो ए मे नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम. अभी आपने बोला ना पार्टी, ए हर जगह प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल ये क्या है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वेजिंग वॉर? वेजिंग वॉर का मतलब क्या होता है? क्या करना? व्हाट इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट? कॉन्स्पायर करना ओनली. अच्छा, आप लोगों का आईपीसी नहीं हुआ ना अभी. Disobeying the government, ठीक है, disobeying or violating the government actions, ठीक है, in the form of a group activity, ये होता है, हाँ, वो होता है waging war against the government, all right? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये they are a part of same transaction, hence they will be relevant under section 6 of Evidence Act, all right? A sues B for a libel contained in
अ लेटर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस. लिबेल क्या होता है? डेफेमेशन. कितने टाइप्स ऑफ डेफेमेशन होते हैं? लिबेल एंड स्लैंडर. व्हाट इज लिबेल एंड व्हाट इज स्लैंडर? लिबेल इज श्योर. लिबेल इज रिटन फॉर्म ऑफ डेफेमेशन, द परमानेंट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन. स्लैंडर इज वर्बल फॉर्म ऑफ डेफेमेशन. ऑल राइट. ओके ओके. तो इसमें बहुत सारे लेटर्स के फॉर्म में डेफेमेशन किया गया है, लिबेल किया गया है. ऑल राइट. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब द सीरीज ऑफ लेटर्स. ऑल राइट. लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबेल अरोज एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेन्ड आर relevant facts though they do not contain the libel itself. तो उसके साथ और जितने भी letters हैं वो सारे के सारे same transaction का part माने जाएंगे. समझ आया? Libel is the fact in issue. तो भले ही सारे के सारे letters में libel ना हो but still they are part of the same transaction. That is why they will be relevant under section 6 as res gestae. All right? Then the question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. कभी होता ना कोई carriage है, कोई cargo है, कोई goods की delivery है, वो बहुत सारे persons के through होके जाती है. जैसे railway में अगर आप कोई अपना cargo carriage दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे आपको बहुत सारी जगहों पे जाती है. अगर आप अपना कोरियर भी मंगवाते हो तो वो पहले बहुत सारी जगहों से होता हुआ आता है. ठीक है. तो ईच एंड एवरी डिलीवरी विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ठीक है, समझ आया? अब इसमें लिख लो, प्लीज राइट. रेस गेस्टे मींस अ फैक्ट एंड अ ट्रांजैक्शन. A fact or a transaction or an event. Fact, transaction or an event. It will include everything which can be said to be fairly connected with the main event. Fairly connected with the main event. Whenever a particular fact happens, that is, an event takes place. It is natural that certain other events will also take place in that sequence. The facts that are connected with the main event in such a manner
that they can be said to be, that they can be said to be natural, automatic, undesigned, and unfabricated. They will be considered to be unfabricated ke baad, they will be considered to be a part of res gestae. Facts which are broadly in continuity with some other fact may be considered to be res gestae, but there has to be a logical connection between them. Next paragraph. Res gestae is an English concept and is not directly applicable in India, but it has its manifestations under Section 6, 7 and 8 of the Act. Under Section 6, 7 and 8 of the Act. Next paragraph. There is no universal test for determining same transaction. But the main test is spontaneity in the happening of the other facts. Spontaneity in the happening of the other facts. Matlab kya hai iska? Facts spontaneous hone chahiye. Spontaneous ka matlab kya hai? Pre-planned nahi hona chahiye. The other fact should be the immediate effect of the preceding fact. Ek fact ka immediate effect jo hai, wo other fact hona chahiye. Uska immediate effect other fact hona chahiye. Aur un sab ke beech mein ek logical connection hona chahiye. Samajh aaya? Unke beech mein kya hona chahiye? Ek logical connection hona chahiye. Aur ek general connection hona chahiye, which must point towards the fact and issue. ठीक है, which must be related to the fact and issue. समझ आया? ठीक है, आगे लिखो. The examination should be as to what was the fact and issue.
and what would be the transaction of the fact in issue. What would be the transaction of the fact in issue? That is, when did the fact in issue, when did the transaction start? When did the transaction start? And when did it end? If the fact in consideration had taken place during the continuance of the transaction, then it will be considered to be the part of same transaction. All right. Isme case law likh lo, R versus Andrews. The most ancient case when it comes to res gestae. R versus Andrews. This is 1987. English case hai. रेग फुल फॉर्म होता है ये इंग्लिश केसेस का एक वो होता है जैसे हमें हमारे में होता है स्टेट ऑफ यूपी स्टेट ऑफ तो ये उनका एक प्रिफिक्स होता है आर आर मतलब रेग ठीक है आर ई जी ठीक है आर वर्सेस एंड्रयूज इसमें क्या हुआ था इसमें एक बिल्डिंग थी जिसमें दो फ्लोर्स थे ठीक है ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी फर्स्ट फ्लोर पे बी रहता था और सेकंड फ्लोर पे ए रहता था ए और बी दोनों में आपस में अच्छा ये अपने पॉइंट्स लिखते जाना आई विल नॉट डिक्टेट ऑल राइट फर्स्ट फ्लोर पे बी रहता था सेकंड फ्लोर पे ए रहता था ए और बी आपस में उन दोनों की एनिमिटी थी उन दोनों में बनती नहीं थी आपस में ऑल राइट One day, what A decided, A अपने friend को लेके B के घर गया, एक knife और एक blanket लेके, and they planned कि हम B के घर की doorbell बजाएंगे, जैसे ही B gate खोलेगा, हम उसे blanket से cover करके stab कर देंगे. That is exactly what they did. They rang B's doorbell, and B ने जैसे ही gate खोला, उन्होंने उसको कवर किया ब्लैंकेट से एंड स्टार्टेड स्टैबिंग हिम बी गॉट सिवियरली इंजर्ड बट स्टिल समहाउ ही मैनेज्ड टू एस्केप वो एस्केप करके कहां आ गया वो एस्केप करके आ गया ग्राउंड फ्लोर पे जहां पे एक टेलीफोन लगा हुआ था उस टेलीफोन से ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस और वो वहीं पे वेट करता रहा बट ही वॉज वेरी सिवियरली इंजर्ड आफ्टर वन आवर एक घंटे के बाद एम्बुलेंस आई ठीक है एम्बुलेंस में बी को लेकर जा रहे थे तो रस्ते में जो एम्बुलेंस में अटेंडेंट था जो मेल अटेंडेंट था एम्बुलेंस में बी ने उस अटेंडेंट को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द स्टेटमेंट गिवन बाय बी टू द अटेंडेंट ऑफ द एम्बुलेंस
is relevant being a part of the same transaction or not, क्योंकि बीच में एक घंटे का gap है. तो क्या ये statement spontaneous है या नहीं है, that is the question. Same transaction है या नहीं है? है, क्यों है? टाइम मैटर नहीं करता, बट एक घंटे का टाइम हो गया. हो सकता है इसमें बी ने कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर लिया हो, और ये कैसे पता चलेगा कि ये स्पॉन्टेनियस एक्ट था? व्हाट अबाउट यू, क्या लगता है? क्या ये स्पॉन्टेनियस एक्ट है? इज इट अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन? Yes, it is a part of same transaction, because भले ही एक घंटे का टाइम लग गया, चाहे हाफ एन आवर होता, चाहे 40 मिनट्स होते, एक घंटा, सवा घंटा, जितना भी होता, बी वॉज सो सिवियरली इंजर्ड दैट देर वॉज नो चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ फैब्रिकेशन इन बीज स्टेटमेंट. बी वॉज वेरी सिवियरली इंजर्ड, ही वॉज बेरली एबल टू मूव. ठीक है, तो वो जो टाइम था उस टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन दो सेक्शन 6 में ये चीज लिखी हुई भी है. एंड कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द केस, बी की जो कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि उसका जो स्टेटमेंट हो वो फैब्रिकेट हो सके या फिर बी किसी तरीके की प्लानिंग कर सके. ठीक है, तो वो जो टाइम था इट इज ऑफ नो यूज, इट डज नॉट मैटर, और जो स्टेटमेंट था इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड इट वॉज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6. समझ आया केस लॉ? समझ आया? श्योर? ओके, नेक्स्ट केस लिखो. प्लीज राइट, सवाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सवाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. This is 1974 Supreme Court. This is 1974 Supreme Court. ठीक है, इसमें एक घर था, घर में एक लेडी रहती थी और उसके साथ उसके दो बच्चे रहते थे. उसके जस्ट सामने वाले जो बिल्डिंग थी उसमें बालकनी में नेबर्स खड़े थे. ठीक है, उन नेबर्स को पहले उन्होंने देखा कि तीन से चार लोग उसकी सामने जिसमें लेडी रहती थी उस बिल्डिंग में घुसे. उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही उस लेडी की चीखने की आवाजें आने लगी. ठीक है, बच्चों की भी चीखने की आवाजें आने लगी, घर में से धुआं निकलने लगा, और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर भागते हुए दिखे. ठीक है, इवन दो द नेबर्स डिड नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग कि एक्चुअली में अंदर क्या चल रहा था, बट ये जो जो फैक्ट्स उन्होंने बताए, कनेक्टिंग दीज फैक्ट्स, दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन विच आर क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि जो वो तीन से चार लोग आए थे उन्होंने उस लेडी को जला दिया. ठीक है, आफ्टर दैट द लेडी वॉज फाउंड डेड, बर्न्ड. ठीक है, सो दीज वर अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. समझ आया? सवाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ऑल राइट, समझ आया? ओके, रेस गेस्टे में कोई दिक्कत, कोई डाउट? श्योर? कोई और किसी भी तरीके की आपत्ति? नहीं? नो? ठीक है, सेक्शन 5 में आई जस्ट इट जस्ट क्लिक्ड मी कि सेक्शन 5 में जो एक्सप्लेनेशन है शायद मैम वो ऑर्डर नहीं पढ़ाएंगी, क्योंकि मैम को जो ऑर्डर्स बताए गए हैं शायद उसमें ये आता नहीं है, बिकॉज मैं इसको स्किप कर देती बिकॉज ये मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है. बट वो ऑर्डर्स जो मैम को मैम ने बताए थे उस दिन आपके सामने, तो उस ऑर्डर्स में शायद ये फॉल नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके, मैं आपको बता देती हूँ, इवन दो दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है पढ़ लेते हैं. एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 5. दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being force in relating to civil procedure. तो civil procedure में अगर किसी भी तरीके का evidence देने के लिए, किसी चीज को prove करने के लिए मना किया गया है,
तो उसे आप सेक्शन 5 को यूज करते हुए प्रूव नहीं कर सकते हो. दैट मींस अगर सीपीसी और एविडेंस की बात है तो सीपीसी शैल प्रिवेल. अगर सीपीसी में किसी चीज का प्रूफ देने के लिए मना करा गया है तो भले ही वो जो फैक्ट है जिसे सीपीसी में आप डिसएंटाइटल्ड हो प्रूफ करने के लिए, भले ही वो फैक्ट चाहे फैक्ट एन इशू हो चाहे रेलेवेंट फैक्ट हो एज पर एविडेंस एक्ट, आप स्टिल उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते हो. ठीक है, बिकॉज सीपीसी की रिस्ट्रिक्शन विल प्रिवेल. ऑल राइट, समझ आया? कहाँ है एक्सेप्ट? वो कन्फेशन है, जब हम कन्फेशन पढ़ेंगे मैं बताऊंगी आपको उसमें क्या एडमिशन एंड कन्फेशन है. ठीक है, अभी रहने दो, अभी जाएंगे उसमें. बट वैसे वो कब होता है? जब जनरल डिस्प्यूट है एंड नथिंग इज सेड अबाउट इट. ठीक है, बट यहाँ पे इट हैज बीन क्लियरली मेंशनड. तो जब जो चीज एक्सप्रेस होती है हम उसको, जो हम बोलते हैं ना कि स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल, वो क्या है? वो एक इम्प्लाइड इंफरेंस है. वो क्या है? एक इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन है. जब कुछ बोला नहीं गया है, सेक्शन 165 और 162 का जो कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ा था ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, बट हमने उसको इन्फ्रेंस करा है उसका, हमने उसे इंटरप्रेट किया है कि हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है. बट यहाँ पे एक्सप्रेस चीज दी गई है, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में हमेशा एक्सप्रेस को फॉलो करेंगे. ठीक है, तब हम इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन नहीं निकालेंगे उसका. ठीक है, सीपीसी में कुछ अभी तक आपने ऐसा पढ़ा है जहां पे कहीं दिया गया हो अ फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, दिस फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड? कहां पढ़ा है? सेक्शन 12 पढ़ लिया है. सेक्शन 12 में क्या दिया है सीपीसी के? सेक्शन 12 को कौन से ऑर्डर के साथ पढ़ते हैं? नहीं रिवाइज कर रहा है. सेक्शन 12 इज ऑलवेज रेड अलोंग विथ विच ऑर्डर? ऑर्डर 2 रूल, बेसिकली ऑर्डर 2, और अगर स्पेसिफिक देखें ऑर्डर 2 रूल 2. क्योंकि सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? सेक्शन 12 ये बोलता है कि ऐसा कोई कॉज ऑफ एक्शन है जो क्या है? बार्ड है. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? यस. ठीक है, तो इसीलिए वो चीज आप पढ़ लेना एक बार. ऑल राइट, तो ऐसे सॉरी नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है यहाँ पे, कुछ चीज ऐसे क्लियर नहीं है. बट हाँ, सीपीसी में अगर किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की रिस्ट्रिक्शन है तो भले ही यहाँ पे जो आपको एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज जरूरी है वो ये है कि सीपीसी में अगर किसी फैक्ट को प्रूव करने की रिस्ट्रिक्शन दी गई है और वो फैक्ट भले ही फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है एज पर सेक्शन 5, स्टिल आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते हो. ठीक है, बस इतना सा. आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस. ऑल राइट, ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया बिकॉज मुझे याद आ गया कि मैम शायद वो पढ़ाएंगी नहीं. ऑल राइट, ठीक है. सेक्शन 6 में कोई डिफिकल्टी? श्योर. अब हमें सेक्शन 7 कवर करना है. सेक्शन 7 में हम पढ़ेंगे इफेक्ट, ओकेजन, ऑपर्चुनिटी, कॉज, स्टेट ऑफ थिंग्स. ऑल राइट, ये 5 चीजें उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इफेक्ट क्या होता है, कॉज क्या होता है, स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ऑपर्चुनिटी क्या होती है, ओकेजन क्या होता है, एंड वाई दीज थिंग्स आर रेलिवेंट अंडर द एविडेंस एक्ट विथ केस लॉज एंड विथ एग्जाम्पल्स हम करेंगे. ठीक है, तो सेक्शन 7 को रीड करके आना, हम इसको डिस्कस करेंगे कल क्लास में. ऑल राइट, ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लेना. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.